मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कसी कमर। छतरपुर में की गई प्रेस वार्ता और बताए गए अपने मुद्दे। इस खबर के प्रायोजक हैं बनी ठनी ब्यूटी, जहां पर दुल्हन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप, लहंगे, कॉस्मेटिक सामग्री, डिजाइनिंग ब्लाउज, बुटीक इत्यादि का काम किया जाता है। हमारा पता है सौरा तिराहे के सामने, महोबा रोड, छतरपुर। मध्य प्रदेश में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं और इसी क्रम में आम आदमी पार्टी ने भी मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है, जिसको लेकर जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और यहां पे पत्रकार वार्ता आयोजित करते हुए छतरपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और जिलाध्यक्ष ने बताया कि किस तरीके से वह विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं और यहां पे प्रत्याशियों को लेकर कई लोगों के नाम सामने आ चुके हैं, जिसका वह जिक्र भी नहीं करना चाहते, लेकिन लिस्ट लंबी है और इसमें समीक्षा की जाएगी और जो सही उम्मीदवार होगा उसको आम आदमी पार्टी टिकट देने वाली है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने बताया है कि यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आम आदमी पार्टी का विशेष जोर रहेगा, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा। इस तरीके से आम आदमी पार्टी के दो बड़े मुद्दे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, जिसको लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी। इसके साथ ही यहाँ पे भाजपा पर भी कई आरोप लगाए गए हैं। छतरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित हुई थी, उसमें जिलाध्यक्ष द्वारा भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं की गुंडागर्दी लगातार चरम सीमा पर है, इसीलिए प्रदेश में जनता चाहती है कि इस बार परिवर्तन हो और आम आदमी पार्टी को मौका देना भी चाहती है, लेकिन यह आगामी विधानसभा चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार प्रदेश की जनता किसको अपना बहुमत देना चाहती है। ये मैं क्या कहना चाहूँगा, मैंने तो बताया है आप सबको कि वर्तमान भाजपा सरकार में भाजपा के ही पदाधिकारी सुरक्षित नहीं है। ये यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उसका सीधा सीधा फेलियर है। आगामी चुनाव में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे अभी तो जनता बताएगी, जब उनके साथ जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा शराब के नशे में चेहरे पे पेशाब की जा रही है, जनता खुद बताएगी। आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से 230 पूरी विधानसभा में चुनाव लड़ेगी। क्या प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? शिक्षा और स्वास्थ्य। जो मध्य प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य का बिगड़ी हुई हालात है, जो मानव समाज के लिए सबसे प्रथम और फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसके ऊपर हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे, जो आपने हमारी आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब की सरकार में आपने देखा होगा। छतरपुर में विधानसभा के लिए तलाशे जा रहे हैं, कई पदाधिकारी, कई लोग हैं जो उम्मीदवारी के रूप में आ रहे हैं। समय आने में आम आदमी के पास कौन सा है कि आम आदमी पार्टी जिसको खड़ा करो, आम आदमी पार्टी सीट निकाल ले, क्या कोई ऐसा चेहरा है आपके पास? अभी जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वह एक लंबी लिस्ट है। क्या दिलीप शर्मा भी उसमें शामिल है? नहीं, उस लिस्ट में दिलीप शर्मा शामिल नहीं है। वरदान एक्सप्रेस के लिए छतरपुर से राहुल माली की रिपोर्ट।